हेलो गाइस, ट्रिपल टू डिवाइन लव टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आई हूँ एक और रीडिंग के साथ, और आज हम लोग चेक करने वाले हैं कि क्या आप लोगों के साथ, आप लोगों की जो भी पार्टनर है, जो भी आपके माइंड में है, उनके साथ क्या आप लोगों की फ्यूचर है, क्या आप लोग फ्यूचर में साथ होंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, ये कलेक्टिव लेवल की रीडिंग है, तो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली आपके लिए ही मैसेज है। और ऑल साइंस के लिए रीडिंग होती है, और कोई जेंडर स्पेसिफिक भी मेरी रीडिंग नहीं होती है। ओके, तो अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या आप लोग फ्यूचर में साथ होंगे, क्या आप लोग फ्यूचर में साथ होंगे, इस कनेक्शन की क्या कोई फ्यूचर है, क्या फ्यूचर में आप लोग साथ होंगे। एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, मैजिशियन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा फाइटिंग आर्गुमेंट्स हुई है, और आप दोनों ने ही डिसाइड किया है कि अभी इस रिलेशनशिप में नहीं रहनी है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो इस रिलेशनशिप में अपनी एनर्जी दे देकर, और आपने मूव ऑन कर लिया है। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपके पार्टनर यहाँ पर मूव ऑन कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हो। आप दोनों ही यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी में मुझे लग रहे हो। आपके पार्टनर अगर आपसे दूर हुए हैं, आपके पार्टनर ने अगर आपसे मूव ऑन किया है, तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनके लाइफ में अदर ऑप्शंस के लिए हो सकता है इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, तो उस वजह से ये रिग्रेट तो करते हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं आपके पार्टनर यहाँ पर, अगर आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है तो। और इतना ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं कि आप मैनिफेस्ट भी होते हो यहाँ पर इनके लाइफ में। हो सकता है इसीलिए आप इन्हें इतना ज़्यादा मिस करते हो कि आपके पार्टनर की मिसिंग एनर्जी भी आप कैच करते हो यहाँ पर, और ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में दोबारा स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। ये चाहते हैं इस कनेक्शन में सक्सेस, ये चाहते हैं आपके लाइफ में रिटर्न आना। ओके, ये इनकी विश है। लेकिन दोबारा हो सकता है ये आप दोनों के कन्फ्लिक्ट के बारे में सोचते हैं और खुद को रेजिस्ट कर लेते हैं। कभी कभी तो ये ऐसा सोचते हैं कि चलो ठीक है, रिटर्न जाते हैं। आप भी हो सकता है कभी कभी ऐसा सोचते हो, चलो कॉल कर लेते हैं, एक कॉल से क्या हो जाएगा, मैसेज कर लेते हैं। लेकिन फिर से आप दोनों की जो पास्ट की सिचुएशन थी रिलेशनशिप की, उस बारे में सोचकर आप खुद को रेजिस्ट कर लेते हो। और ऐसे ही आपके पार्टनर की भी सिचुएशन है। ओके, पास्ट में यहाँ पर हो सकता है आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर फाइटिंग हुई है, या कुछ बहुत खराब हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिस वजह से आप दोनों ने ऐसा डिसीजन ले लिया है। ओके, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को स्पाई भी करते हो, आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप हो, और आप दोनों के ही दिल में है कि रिटर्न जाना है, चलो सॉर्ट आउट कर लेना है। तो चलिए मैं फ्यूचर देखना चाहूँगी, क्या होने वाला है आगे, फ्यूचर में क्या होगा, क्या आप दोनों की फ्यूचर है साथ में, क्या आप दोनों की फ्यूचर है साथ में। द सन एंड द चैरियट, यस, फ्यूचर है इस कनेक्शन में आप दोनों की। अगर आप दोनों ही एक दूसरे से ट्रू लव करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों की कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग होगी, फ्रेश स्टार्ट होगी। यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लाइफ में रिटर्न आएंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कॉन्टेक्ट करो और उसके बाद सॉर्ट आउट हो जाए, ऐसे भी हो सकती है। लेकिन आपको ये रीडिंग देखने के बाद ही तुरंत से कॉल नहीं कर देना है, ये नेचुरली होने देना है आपको। ओके, अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो नहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, या सच में मेरे पार्टनर को मेरी ज़रूरत है, अगर आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल रही है डिवाइन से, तो आप डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा अच्छा यही हो कि आपके पार्टनर रिटर्न आए आपकी लाइफ में, क्योंकि आप इन्हें अगर टाइम दोगी तो ये रिटर्न आएंगे। फाइव ऑफ कप्स, यस, देखो दोनों ही रिग्रेट की एनर्जी में हो। फाइव ऑफ पेंटेकल्स, देखिए लास्ट कंफर्मेशन कार्ड है ये, टेन ऑफ पेंटेकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होने वाली है यहाँ पर। यूनियन आप दोनों की लाइफ में ही आएगी, फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों की लाइफ में होगी। फ्यूचर तो आप दोनों की यहाँ पर, आप दोनों के फ्यूचर साथ है यहाँ पर, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों साथ होंगे। और अगर आपके पार्टनर ने आपको ऐसा कुछ कह दिया है कि नहीं मैं आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगी, आप दोनों की फैमिली नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ ही फैमिली बनाएंगे। और अगर ऑलरेडी आप मैरिज में हो आपके पार्टनर के साथ, तो यहाँ पर आप दोनों की रिकॉन्सिलेशन भी हो जाएगी। ओके, लेकिन आप दोनों की कनेक्शन ईजी नहीं होने वाली है। टाइम टाइम पर यहाँ पर आप दोनों की कनेक्शन में बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे यहाँ पर ऑब्स्टिकल आएंगे।
आप दोनों को उसमें लड़ना झगड़ना नहीं है, आप दोनों को उसमें साथ में उसको हैंडल करनी है. ओके, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हो, आप खुद ही बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं हो, इस वजह से आप दोनों में सेपरेशन अभी आए हैं. तो अगर आप चाहते हो इस कनेक्शन में सक्सेस आए, यहाँ पर भी देखिए सक्सेस की एनर्जी है और यहाँ पर 10 of Coins की एनर्जी है, तो मतलब फैमिली लाइफ को दर्शाती है. फ्यूचर में जाकर अगर आप चाहते हो आप दोनों कंप्लीट रिलेशनशिप में आए, मतलब कंप्लीशन आए आप दोनों की रिलेशनशिप में, फैमिली हो, मैरिज हो, अबंडेंस रहे, तो यहाँ पर आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है. अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में फ्रेश बिगिनिंग हो, आपके पार्टनर आपके लाइफ में रिटर्न आए सारे ऑब्स्टेकल को ओवरकम करके, या जो भी आप दोनों में ख़राब सिचुएशन हुई है थर्ड पार्टी को लेकर हो सकती है, किसी और बात को लेकर हुई है, या आप दोनों की खुद की मेंटेलिटी मैच नहीं करती है, आप दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हो, कोई भी अगर सिचुएशन है, अगर आप चाहते हो उस सिचुएशन से आगे बढ़ना, तो यहाँ पर सबसे पहले खुद को आपको बैलेंस करनी है, तभी जाकर आपके पार्टनर आपके लाइफ में रिटर्न आएंगे, आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग होगी. द सन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आया है यहाँ पर. पूरे डेक में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड द सन की एनर्जी को ही माना जाता है. तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो, इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिले, तो आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है. बातचीत डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे आपको. यहाँ पर देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होगी, यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी आप दोनों को, और फ्यूचर में आप दोनों साथ भी होंगे. ओके, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल आप लोगों की रिलेशनशिप में मैरिज से पहले आ सकती है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑब्स्टेकल दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों साथ डेफिनेटली होंगे. ओके, अगर आप दोनों की ही तरफ से इक्वल लव है, अगर आप दोनों ही एक दूसरे को इक्वल लव करते हो, आपको फील होता है नहीं मेरे पार्टनर मेरे लिए डेडिकेटेड है, मुझसे ट्रू लव है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लाइफ में रिटर्न भी आएंगे, आपको कमिटमेंट ही देंगे, और आपको आपके साथ फ्यूचर में ये साथ भी रहेंगे. ओके, तो यही है गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग. अगर इस रीडिंग से आप लोगों को थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा. वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.